नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरुजी के क्या विचार है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिनका स्वास्थ्य खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। जिन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपकी रोजाना सूर्य देव को जल देने आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं, आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं, भूल से भी यह गलती ना करें। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है, ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात का, ताम्र पत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अंकित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल का इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षर एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षर से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए।
कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे आपसे दूर हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नौवीं बात, सादा भोजन लें। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूलकर भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से जैसे सूर्य देव को समय हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं, गेहूं और गुड़ का दान करने बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप यह दान करते हैं सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं जो रुके हुए हैं बनने लग जाते हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जो हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा मात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेता है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपकी सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिससे भी आपका व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत स्थिति में होता है,
आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप सात रविवार कर लीजिए कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किए तो सात रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इसे सूर्य देव बलि हो जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वह सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मा की कारक है सूर्यो देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप तीन बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर तीन बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा था, गुण चाहिए, संतान चाहिए, सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, हर समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बलि होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप कोई भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इसे आप जरूरी कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह आप जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय आपको एक बेलपत्र डालना है, और इस बेलपत्र के साथ आपको भगवान सूर्य को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, एक रोली डालें और एक बेलपत्र डालें, और इसके साथ ही आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने न हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली, बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। सात बार में आपको जल देना है, जैसा कि बताया जाता है कि आपको तीन बार में जल देना चाहिए रुक रुक कर। एक ही पात्र का जल हम तीन बार में देते हैं, रुक रुक कर हम तीन बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को सात बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसी पात्र के जल को सात बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम हरि हरि सूर्याय नमः, ओम हरि हरि सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो एक बार, तीन बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं, जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए। इससे आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताए हैं। सूर्य को
मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और बहुत जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाने चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब आप सभी एक बार हमारे साथ भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।